सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज ये एक और प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि है मिमी 360 सिपर कप, या फिर ट्रेनर कप भी कह सकते हैं आप। सो ये आज ही डिलीवर हुआ था। इससे पहले मैंने ममकिन का ऑलरेडी एक रिव्यू किया हुआ है। लेकिन मुझे वो एज़ पर प्राइस रेंज उसमें जिस तरीके से लीकिंग हुई है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि जब उसमें बहुत ज़्यादा वाटर लीकेज हो रहा था, ऑब्वियसली बीबी तो पटकेगी क्योंकि वो अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो समझ सके कि उसको कैसे पीना है कैसे नहीं पीना है। तो शी इज़ ओनली 21 मंथ ओल्ड। सो मैं अभी से उसको ट्रेनिंग दे रही हूँ कि उसको कप से कैसे पीना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले, अगर आप भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं अपने टॉडलर को स्पेशली, तो आपको इस तरीके की आप सिपी कप ले लीजिए तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। बिकॉज अगर आपके बच्चे जैसे कि स्ट्रॉ होता है उससे अगर पीना सीख चुके हैं तो उसके बाद आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एंटी लीक लिखा हुआ है, 360 ड्रिंकिंग सरफेस है। ओब्वियसली जो इसकी सरफेस है वो बहुत ही ईजी टू यूज़ है, बिकॉज मेरी बेबी ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको बहुत अच्छे से उसने यूज़ कर लिया था। और आप देख सकते हैं कि 360 ईजी ग्रिप ट्रेनिंग सिपक कप है ये, और लिटरली दिस इज़ वेरी गुड। और ये BPA फ्री भी है। और जैसे ही आया था तो मैं अभी आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता रही हूँ कि इसमें ऑब्वियसली 25 ईयर्स हो चुके हैं, कंपनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। मेरे पास ऑलरेडी इसका एक और भी स्ट्रॉ है जिसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, सिपर है वो। सो मेरी बेबी शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल टू यूज़ दैट। और मैं सबसे पहले बता दूँ, जैसे ही प्रोडक्ट आपके पास आएगा सबसे पहले आपको उसको वॉश करना है, स्टेरलाइज करना है, उसके बाद ही अपने बच्चे को देना। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आया और आने के साथ ही डायरेक्टली बच्चों को कभी मत दीजिए, दैट्स नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी वही है। और आप टेम्परेचर चेक कर लीजिए फीड करने से पहले, अगर आप ठंडा पिला रहे हैं तो भी, ठंडा पिला रहे तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर थोड़ा सा गर्म कोई चीज़ दे रहे हैं बच्चे को तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए उसको एटलीस्ट जले ना। सो मैंने सारे के सारे जैसे मेरे पास आए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया लिक्विड जो डिटर्जेंट है बेबी का उससे, और उसके बाद मैंने उनको स्टेरलाइज भी करा एक एक पार्ट, तो फिर स्टेरलाइज होने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये प्रोडक्ट है इनका मी एंड मॉम का। सो एक पीस सेट है और इसका MRP लिखा हुआ है 400 रुपीज़, लेकिन मुझे 263 रुपीज़ का पड़ा है। और इसकी मंथ ऑफ इंपोर्ट भी थोड़ा सा पुराना है, अप्रैल 2020 का है। सो दैट्स फाइन, इट्स ओके, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कब की पैकेजिंग है और कब की नहीं है। और पैकेजिंग भी इसकी मुंबई में है, तभी मुझे जल्द नेक्स्ट डे ही डिलीवरी इसकी हो चुकी थी। सो ओवरऑल पैकेजिंग मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन पूछा जाएगा ममकिन का और इसका तो मैं कहूँगी आप इसको लीजिए, क्योंकि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होगी, कुछ होगा भी, तो फिर ज़्यादा आपको मतलब नुकसान नहीं होगा। सो इसमें जो सिपी कप है इसमें आपको एक प्लास्टिक मिलता है जिसके थ्रू ही बच्चे डायरेक्टली 360 वे में पी सकते हो, किसी भी एंगल से पी सकते हो। तो मैंने अभी इसको ओपन करके दिखाया है, तो हर एक पार्ट स्टेरलाइज हो सकता है और इजी टू इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन क्या है, बस इसके ऊपर प्लास्टिक का जो कप है वो डालना है, जो कि बहुत ही ईजी है। और जो आपको जहाँ पे जो होल्स दिख रहे हैं इसके थ्रू ही बच्चे पी सकते हैं, तो इट्स वेरी ईजी। ये आपको इसमें एडजस्ट कर देना है, इसके ऊपर एक कप है और साथ में बॉटल है। बॉटल की जो ओवरऑल साइज़ है वो है 24 ml बॉटल है इसकी, जो कि इनफ है अगर आप बच्चे को पानी पीना चाहते हैं तो। मेरी बेबी तो बहुत ही ईजिली उसमें उसने पानी भी पीना सीख लिया है खुद से, बिकॉज शी इज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ममकिन वाला जब आया था तब वो ट्राई करते करते उसने सीख लिया था एक दिन में ही। सो ये तो उसको ऑलरेडी आ चुका था, बस आपको इसको जो प्लास्टिक का है आपको इसके साथ फिट करना है, और ये जो होल है ना इसके थ्रू ही बच्चे आराम से पी सकते हैं। वैसे लीकेज प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अगर बच्चे ने बहुत ही गुस्से में पटक दिया तो फिर उसमें थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, जो कि ममकिन के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। एज़ कम्पेयर टू ममकिन मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि मैंने जब बेड पे उसको थोड़ा सा शेक करके देखा था तब भी पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। बल्कि इस केस में इस बॉटल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसे शेक करने पे पानी निकल रहा है, बल्कि मैंने जैसा शेक उसको किया था वैसे इसको भी किया था कि इसमें से कम पानी निकला एज़ कम्पेयर टू ममकिन। बहुत सारे लोगों ने ममकिन को कहा है कि वो बहुत अच्छा है यह वो है, लेकिन आई डोंट नो वाई, बट मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और ये रही मेरी बेबी और शी इज़ टोटली इन्जॉइंग इट, सो बहुत ही ज़्यादा बॉटल ये पसंद आई है। सो वो मतलब बॉटल छोड़ नहीं रही, बन वो जिसका कैप है उसे लिए लिए घूम रही है। सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। सो उसको तो आ ही चुका है पानी पीना, तो वो जब उसका मन करता है वो पीना शुरू कर देती है। तो कल मैं इस पर उसको ट्राई करूँगी जूस देना, किसी भी चीज़ का मैं जूस एक निकाल के ज़रूर उसको दूँगी कि एटलीस्ट उसे समझ आए, क्योंकि शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट बॉटल्स, उसे पता है किस बॉटल में क्या चीज़ पीते हैं। तो ये रहा, तो मैं अब आपको इसमें डेमो करके दिखा रही हूँ।
अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी बचा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो पी रही थी पानी बहुत ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा पानी बचा था उसी को ही मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगी। तो ओवरऑल जब आप इसको बहुत अच्छे से शेक करेंगे तो ठीक है, लेकिन इट्स वेरी इजी टू यूज़ भी है। मतलब बच्चे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, किसी भी एंगल से बच्चा पानी पी सकता है। और नॉर्मल स्ट्रॉ में या फिर सिपी कप में क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसके थ्रू ही उसको पानी पीना है। इसमें क्या है कि वो कभी भी उसका मन करे वो जिस भी एंगल से बहुत ही ईजिली पी सकते हो। तो बेड पे आपने देखा होगा एक बूंद भी पानी नहीं गिरा जब मैंने इसको यहाँ से बेड से नीचे गिराया। ऑब्वियसली पम्पकिन में भी गिराया था मैंने, तो उसमें से भी पानी लीक हुआ था थोड़ा। सो आप देख सकते हैं जब बच्चा ऑब्वियसली ऊपर से नीचे फेंकेगा तो पानी लीक होगा डेफिनेटली। सो ये भी लीक हुआ है। सो मुझे लगता है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बढ़िया है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है। सो ये बेस्ट पार्ट ये है कि जो मेरी फीडिंग चेयर है बेबी की लव लाइफ की, इसके साथ परफेक्टली फिट हो रहा है इसके प्लेट में। सो आप देख सकते हैं वो बॉटल को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है, वो दिन भर ही बॉटल को लिए ले रहती है। सो आई रियली होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। सो कीप ऑन वॉचिंग, एंड आपको कोई भी डाउट होगा या कुछ भी होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।